35 आदमी बार मैंने छोड़ देते, किसी की चीनी नहीं भेजी, किसी का तेल नहीं भेजा, किसी का गेहूँ नहीं भेजा। हमें दो बार SDM के साहब के पास मिले, प्रीति को फोन किया, बोली पहुंचाऊ कल भी, फिर यहाँ तेल तो पहुंचा दिया, चीनी अभी तक भी नहीं मिली उनको। 30-35 लोगों की चीनी और तेल रह गया था, उसके लिए दो बार SDM साहब से इनको मिलना पड़ा, और उसके बाद भी सिर्फ तेल दिया गया है, चीनी अब तक नहीं आई है इन लोगों की, और 20 क्विंटल गेहूँ इनके भी अब तक नहीं आए हैं। जनवरी माह का गेहूँ नहीं, मेरे मतलब पैसे जमा करवा लिए, और आज तक 2.5-3 महीने हो गए। बस मैं जाता हूँ तो आश्वासन देते हैं भाई, मैं दिवाता हूँ, 10 दिन में देते हैं, 15 दिन में भेजते हैं, और 5 दिन बाद में भेजते हैं, बार बार मतलब कहने के ऊपर भी आज तक भी मेरी मशीन के अंदर बैलेंस उन्होंने चढ़ा दिया, और प्रैक्टिकल के अंदर गेहूँ मेरे पास अभी आज तक नहीं दिए। कितने दिन का गोलमाल कर रखा है इनके, चलते रहते तो करते रहते हैं। जनवरी के हैं, जनवरी पे बिल के ऊपर उन्होंने खुद ही साइन करके पहुंच रख लिया आपके पास, बोला हमने जो डीएफसी ऑफिस है वहाँ पहुँचा दिया, हमने माल पहुँचा दिया, उन्होंने डुप्लीकेट साइन करके वहाँ रख लिया, और क्यों आज तक भी नहीं दिए। आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं गरीब लोगों के पास कहाँ तक राशन पहुँचेगा। मैंने डीएफसी साहब से फोन पे बात की, बोल मैं राहुल इंस्पेक्टर हूँ, बोल देता हूँ आपको गेहूँ मिल जाए। इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो गरीब लोगों के राशन पे डाका मार रहे हैं, अब भी मुनाफाखोरी के चक्कर में हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहाँ हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं नाला में मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ, हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और कुरावटा गांव में। यहां पे बलवंत सिंह जो डिपो होल्डर हैं, उनके नाम से डिपो है, खुद डिपो होल्डर के साथ 20 क्विंटल गेहूं की हेरा फेरी कर चुके हैं, उनके गेहूं नहीं दिए जा रहे हैं, और उनके जेब से पैसे लग चुके हैं, तो गोलमाल है, सब गोलमाल है। अब करें तो करें क्या, जाए तो किसके पास जाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मनोहर लाल जी सुन रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी सुन रहे हैं, इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो गरीब लोगों के राशन पे डाका मार रहे हैं, अब भी मुनाफाखोरी के चक्कर में हैं। तो हमारे साथ कई शिकायतें, कई गांवों की शिकायतें हमारे पास, चाहे वो डरेली जाट को लेके हो, चाहे सुरेती पिलानिया को लेके हो, चाहे राजा वास को लेके हो, महेंद्रगढ़ के भी कई डिपो होल्डर की शिकायतें हैं हमारे पास। तो कितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी यहाँ संज्ञान ले पाते हैं इन करप्ट, इन जो मुनाफाखोरों के खिलाफ, और यहाँ तो कुछ बड़ा ही गोलमाल है। जो हमारे साथ डिपो होल्डर हैं, इनसे जानते हैं आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि 20 क्विंटल गेहूँ हमारे दिए नहीं गए, लगभग 40-50 हज़ार की कीमत के इनको भी चपत लग चुकी है, अब राशन बांटे तो कहाँ से बांटे। जी बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी, मैं कुरावटा गांव का मतलब राशन बांटता हूँ। जनवरी माह का गेहूँ नहीं, मेरे मतलब पैसे जमा करवा लिए, और आज तक 2.5-3 महीने हो गए। मैं इंस्पेक्टर से कह चुका हूँ, राहुल से भी और ध्यानचंद से भी कह चुका हूँ, और प्रीति जो हमारी इंस्पेक्टर है इस गांव की, उससे मैं लिखित में भी ये दे रखी है, ये पास मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है, और उसने बार बार भी कब दी थी लिखित में? पिछले महीने में दी थी, इसके ऊपर डेट भी है, 1 महीना अभी होगा। और DFSC साहब से मैंने बात की थी, बोला मैं राहुल से बात करके आपका गेहूँ दिलाता हूँ, बस मैं जाता हूँ तो आश्वासन देते हैं भाई, मैं दिलाता हूँ, 10 दिन में देते हैं, 15 दिन में भेजते हैं, और 5 दिन बाद में भेजते हैं, बार बार मतलब कहने के ऊपर भी आज तक भी मेरी मशीन के अंदर बैलेंस उन्होंने चढ़ा दिया, और प्रैक्टिकल के अंदर गेहूँ मेरे पास अभी आज तक भी नहीं दिए उन्होंने। ये राहुल कौन है? राहुल या महेंद्रगढ़ का इंस्पेक्टर है, और जो गोदाम का जो स्टोर कीपर है, इनके जो जनवरी में इनके पास था, वो इनमें मैं 3-4 बार फोन करके, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है भाई, मैं 5 दिन में पहुँचा दूंगा, 10 दिन में पहुँचा दूंगा, लेकिन वो गाँव आज तक मेरे डिपो पर नहीं पहुँचाए गए। अच्छा, कितने दिन का गोलमाल कर रखा है ये? देखो जी, इनके चलते रहते तो करते रहते हैं। अच्छा, ये आपके साथ कितने दिन से चल रहा है ये 20 क्विंटल गेहूं का? 3 महीने जनवरी के हैं, जनवरी पे बिल के ऊपर उन्होंने खुद ही साइन करके पहुंच रख लिया आपके पास, बोला हमने जो DFSC ऑफिस है वहाँ पहुँचा दी भाई, हमने माल पहुँचा दिया, और आज तक मेरे पास नहीं, मेरे उसके उन्होंने डुप्लीकेट साइन करके वहाँ जो पहुँच होते हैं ना हमारे पास, यहाँ गेहूँ पहुँचे तो हमारे साइन होते हैं भाई, माल पहुँच गया, उन्होंने डुप्लीकेट साइन करके वहाँ रख लिया, और गेहूँ आज तक भी नहीं दिए। ये शिकायत दी किसके पास थी?
मैंने जो मेरी इंस्पेक्टर है प्रीति इंस्पेक्टर उसको दी है, उन्होंने डीएफएससी ऑफिस नारनोड भी भेज दिया है, और डीएफएससी ने मैं भी खुद फोन कर लिया 2-3 बार, बस वो कहते हैं मैं बोल रहा हूँ जी इंस्पेक्टर वो राहुल को बोल रहा हूँ मैं आपको मिल जाएंगी, बस यही आश्वासन देते हैं और मतलब स्थाई समाधान नहीं करते। 4 महीने से बलमन डिपो धारक उनका 20 क्विंटल गेहूं कहां गोलमाल कर देते हैं, ये हमारे इंस्पेक्टर राहुल और झूठा बिल काट के दे दिया जाता है, डुप्लीकेट साइन फर्जी साइन दस्तक करके और यहां पे बिल चढ़ा दिया जाता है, और डिपो होल्डर के पास 20 क्विंटल गेहूं पहुंचते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं गरीब लोगों के पास कहां तक राशन पहुंचेगा, आप खुद समझदार हैं। इस मामले को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल जी कितनी जल्दी कार्रवाई कर पाते हैं, क्या गरीब लोगों के पास इस तरीके से राशन पहुंचाया जाएगा? इसमें तो डिपो होल्डर खुद भी अभागी हैं जिनको चपत लगाई जा रही है, तो क्या गरीब लोगों के पास कैसे यहाँ पे राशन पहुँचाएंगे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे ये बताइए आपने शिकायत दी, इन्होंने क्या कहा? प्रीति बोली आपका 5-10 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा, मैंने डीएफएससी साहब से मेल कर दी है, वो अप्लीकेशन पर साइन करके उनके साइन भी है, उन्होंने ये लिख के भी दिया मेरे को, बोला आपको गेहूँ जल्दी जल्दी दुआ देंगे। तो आपके बिल यहाँ के पास है जो ये बिल कटा था? हाँ पुराने बिल है जो मेरे हर महीने के हैं, वो मैंने सिरवाइज लगा रखे हैं, ये आप देख लीजिए कैमरे में तस्वीरों में, ये बिल भी बाकायदा दिखाए जा रहे हैं, ये बिल हैं जो हर महीने के बिल जो मशीन में बांटता हूँ, जो लास्ट में जो बिल काटते हैं मैं सारे संभाल के रख रखे हैं भाई, उस महीने इतना आया इतना बैलेंस है, इतना स्टॉक चढ़ा दिया उन्होंने, तो 20 क्विंटल स्टॉक चढ़ा दिया और प्रैक्टिकल मेरे को दिया नहीं। तो इस जो फर्जी बिल जो आपके पास है वो भी है क्या? फर्जी बिल उनके पास है, वो बिल आपने अब तक नहीं आया? नहीं आया मेरे पास। तो ओरिजिनल फर्जी में क्या वो साइन करके देते हैं? आपके साइन होते हैं जो माल पहुंचता है, और दो बिल आते हैं, एक हमारे पास यहाँ रख लेते हैं और जो पहुंच उनके पास पहुंच जाती है, जमा हो जाती है, तो साइन डुप्लीकेट करके उन्होंने वहीं जमा कर रखे हैं, न मेरे को ओरिजिनल दिए न डुप्लीकेट, कैसे नहीं उन्हीं के पास है जनवरी माह के। तो वो क्या बोलते हैं कि आप राशन बांट दीजिए? वो कहते हैं भाई 5 दिन में पहुँचाते हैं, 10 दिन में पहुँचाते हैं, ऐसे ही बस कर रहे हैं। तो डीएफई साहब ने क्या एक्शन लिया, आपको बुलाया गया था जब? डीएफएससी साहब से मैंने फ़ोन पे बात की है, पर 3 इंस्पेक्टर ने नंबर दिए थे, बोलो डीएफएससी साहब से आप शिकायत करो, मैंने डीएफएससी साहब से फ़ोन पे बात की, बोलो मैं राहुल इंस्पेक्टर को बोल देता हूँ आपको गेहूँ मिल जाएंगे। तो फिर लगातार 4 महीने से आप चक्कर काट रहे हैं जनवरी के बाद? हाँ जी। तो कितनी बार आप उनके पास जा चुके हैं अभी यहाँ पे कार्यालय में? कार्यालय में तो जी कम से कम घने नहीं तो 50 बार जाया मैं, 2 दिन छोड़ के फिर वो परसों के नाम ले परसों जाता हूँ, फिर 5 दिन के नाम ले 5 दिन जाता हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं गले आज, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये मामला बहुत बड़ा है, अगर गहराई से इसकी छानबीन की जाए तो बहुत बड़ा मामला उजागर हो सकता है, जिस तरीके से डिपो होल्डर जो बता रहे हैं फर्जी बिल काट के बाकायदा फर्जी बिल से 20 क्विंटल गेहूँ इनके रख लिए जाते हैं, और लगातार 3-4 महीने से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, अब मेरे 20 क्विंटल गेहूँ कब दिए देंगे कब देंगे, लेकिन वो ही ढाक के 3 पात अफसर इसको चक्कर कटवा रहे हैं जो डिपो होल्डर हैं, परंतु समाधान कोई घल नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं अब तक कोई समाधान हो नहीं रहा है इनका, वो बोल रहे हैं कि कल देंगे परसों देंगे 2 दिन बाद 20 दिन, 4 महीने निकल चुके हैं परंतु कोई ठोस ना तो कार्रवाई हुई है ना इसका अब तक कोई राशन पहुंचा है। इस तरीके से पता नहीं हरियाणा प्रदेश में भी किस तरीके से चपत लगाएंगे, हम डीसी साहब से भी कहेंगे अगर हमारी बात
हम एसपी साहब से भी कहना चाहेंगे, यहाँ जो आला अधिकारी हैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी गहराई से जांच की जाए। पूरा महेंद्रगढ़ की जो गोलमाल है अनाज के ऊपर, जो गरीब को राशन आ रहा है, जिस पे डाका डाला जा रहा है, तो इस तरीके से कब तक चलेगा? मैंने इंस्पेक्टर राहुल पे दूरभाष पे फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, बोले भेज रहे हैं भाई मैं आरओ लैंड जा रहा हूँ, 5 दिन में भेजेंगे, 2 दिन बाद में आपको सुनाऊंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। नमस्कार भाजी। नमस्कार बलवंत बोलो, क्यों भेजो तो मेरा भेज रहा है भाई, क्यों भेजो तो आज आ रहा लास्ट है, तो आज गाड़ी भरवाऊंगा शाम तक, हाँ तो आज भेजो तो है। इसमें साहब कहते सुन रहे हैं कि आपके गेहूँ भेज रहे हैं, परंतु 3 महीने गुजर चुके हैं, अब तक कुछ नहीं भेजा। हम और भी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं इन महाशय की, जो जिप होल्डर है, इनका दर्द कहीं ना कहीं वाजिब है, सही है। ये कब की है ये भाई? वो 1 तारीख की होगी, मतलब भाई कल को नाम ली, फिर 1 दिन छोड़ फेर जाऊँ भाई, वो चक्कर मतलब कटवा रहे हैं बार बार और समाधान कोई नहीं कर रहे। ये भी लगभग 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है, फरवरी शुरू होते ही, फरवरी के शुरुआत की रिकॉर्डिंग है, तो क्या कहेंगे अब सब जगह जा चुके आप, अब जाएं तो कहाँ जाएंगे, क्या समस्या हो, किससे समस्या? मैंने राजावास एक वो मुन्नी वो जो समाज सेवी है उससे आपके नंबर लिए थे मैंने, बोले लंबा साहब से आप संपर्क करो, ये आपकी सोल्यूशन गलवाएंगे, तो मैंने आपका सुबह आपसे कांटेक्ट कराया, बोला आप हमने बोलो यहाँ राज्यवास बुला रखा है, बोला हमारे को भी गांव में राशन नहीं बैठा है 2 महीने से, तो मैं आप किसी फिर आज में संपर्क सर क्या कहेंगे, आप भी बुजुर्ग हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस तरीके से 20-40 हज़ार का गेहूँ रख लिया जाता है डिपो होल्डर का, तो फिर किस तरीके से लोगों की सेवा होगी, किस तरीके से कर पाओगे, किस तरीके से प्रॉपरली गरीब जो राशन जिनके बीपल कार्ड है उनके पास राशन जाना चाहिए एक्चुअली में, परंतु यहाँ इस महामारी में भी इस तरीके से गरीबियों को राशन पे डाका डाला जा रहा है, वो भी सरेआम, क्या कहेंगे? हाँ जी, वो कई बार हमने इंस्पेक्टर से भी बात करी थी, वहाँ ऑफिस में गए थे, बोले भेज देंगे जी, और फिर वो प्रीति तो खुद यहाँ आई थी जाऊँ चेक करके, हमारी इंस्पेक्टर है जी बुराई की, तो उसने खुद उन भी रिकमेंड करके वो भेज दिया था भैया का ये दिया जाए। सर वो से आज से 5 दिन पहले जो प्रीति इंस्पेक्टर मेरे गांव में आई थी, सरपंच के आगे, जो मेरा गांव का सरपंच है उसके आगे बैठा के उसने कहा था, मैंने वो सरपंच साहब 20 क्विंटल के हूँ अपने गाँव के, इसने जनवरी महीने के आज 3 महीने को नहीं दिए हैं, तो सरपंच साहब के आगे भी इंस्पेक्टर मैडम कह गई है, बोले मैं इनको दिला दूँ जल्दी, हमारे गांव का सरपंच है उसके आगे मौजूदगी में हाँ कब भर के गई थी। और ऐसे बिल काटते हैं जी हर महीने के महीने, तो ये बिल हैं, एक इनके पास रह जाता है, एक साइन करके वापस भेजते हैं, हर महीने बिल आते हैं ये, और सारे बिल संभाल के रख रखे हैं, अब जाएं तो किसके पास जाएं, किसके पास गुहार लगाएं? तो हम यहाँ कुरावटा के सरपंच के पास भी मौजूद हैं इस मामले को लेके, रिपोर्टर के 20 क्विंटल गेहूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पूंजी होती है, 40-50 हज़ार की कीमत के 20 क्विंटल गेहूँ, तो इस मामले के लेके हम सरपंच साहब के पास पहुँचे हैं, तो आप मतलब क्या कह रहे थे यहाँ सरपंच साहब के पास क्या हुआ? इंस्पेक्टर प्रीति जो हमारे मेरे डिपो की इंचार्ज है वो यहाँ आई थी सरपंच साहब के आगे भी हाँ भर के गई थी, बोला आपका ये 20 क्विंटल गेहूँ हम जल्दी दिला देंगे आपको, ठीक है। और मैडम इसलिए आई थी, तेल कम दिया था, चीनी कम दी थी, सरपंच साहब ने डीएफपी साहब से शिकायत की थी, जब वो मैडम भागी यहाँ तब यहाँ आके सरपंच साहब से कही थी, बोले मैं तेल चीनी जल्दी पहुँचाऊँगी, जो कि सरपंच साहब एच डी एम साहब के पास भी 10 बजे जाके खाली तेल दिया है, चीनी आज तक भी नहीं दी है, जो कि 35-36 आदमी चीनी के लिए भी रह रहे हैं। ठीक है सरपंच साहब, क्या नाम? अपना जी वेद प्रकाश। सरपंच प्रतिनिधि? हाँ जी। ठीक है वेद प्रकाश जी, आप सरपंच प्रतिनिधि, आपके पास मैडम आई थी, क्या 20 क्विंटल गेहूँ बकाया रह रही थी, वह जल्दी से जल्दी देने की कह रही थी, अभी तक भी नहीं आए, यानी कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं देखे जाऊँगा। हाँ देखे जाऊँगी, अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो गेहूँ। तो चलो आपके पास भी कुछ समस्या है तेल की चीनी की, तो आप बता देते हैं, काफ़ी आपने मशक्कत करनी पड़ी आपने। हमें 2 बार एसडीएम के साहब के पास मिले, प्रीति को फ़ोन किया, वह बोली पहुँचाऊँ कल भी, फिर यहाँ तेल तो पहुँचा दिया, चीनी अभी तक भी नहीं मिली उनको। यानी कि कितने लोगों की नहीं आई? 30-35 आदमियों की। 2 बार एसडीएम साहब से मिले आप? हाँ जी, यानी कि रूबरू उनसे? हाँ एक बार मिले थे रूबरू, एक बार फोन पे बात हुई। क्या बोले वो? बोले जी दिला देंगे, तो तेल तो आ गया कल, चीनी अब चीनी अब तक नहीं आई। ये देख लीजिए,
30-35 लोगों की चीनी और तेल रह गया था, उसके लिए दो बार एसडीएम साहब से इनको मिलना पड़ा, और उसके बाद भी सिर्फ तेल तेल दिया गया है, चीनी अब तक ही नहीं आई है इन लोगों की, और 20 क्विंटल गेहूं इनके भी अब तक नहीं आए हैं। चार महीने हो गए 20 क्विंटल गेहूं आए उनको, जनवरी का बकाया रह रहे हैं ये गेहूं। पिछले महीने लॉकडाउन लगा है जब से, जो 30-35 आदमियों का राशन कभी तो आ जा लेट आता है, कभी नहीं, कभी अगले महीने की कह देते हैं, तो वह यहाँ आके परेशान करते हैं सरपंच को, तो हमें वहाँ जाते हैं तो अब आ जाएगा, दो दिन में आ जाएगा, चार दिन में आ जाएगा, तो गरीबों का जो राशन है वह सभी का टाइम से टाइम आना चाहिए, ये हमें दिक्कत नहीं उठानी पड़नी चाहिए, क्यों गरीब आदमी को लॉकडाउन में पहले ही परेशानी है खाने के लिए, उनको टाइम से टाइम राशन मिलना चाहिए। यानी कि हर महीने रख लिया, रख लेते हैं। हाँ, 30-35 आदमी हर महीने छोड़ देते हैं, किसी की चीनी नहीं भेजी, किसी का तेल नहीं भेजा, किसी का गेहूँ नहीं भेजा, तो वो दिक्कत हमें आके यहाँ परेशान करते हैं, तो सभी सौदा टाइम पे पहुँचाना चाहिए। ठीक है जी, तो आपने इस तरीके का माहौल इस लॉकडाउन में, लोग एक एक दानों को मोहताज हैं, जो रोज काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, जो बीपीएल कार्ड धारक है, जो रोज कमा के रोज खाते थे, आज उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो भी ऊपर से जो स्कीमें आ रही हैं उनको यहाँ रख लिया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार को जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि राशन ऊपर से आता है और यहाँ पे खाद्य आपूर्ति विभाग कहाँ गड़बड़ झाला कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। हमारे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ही ऐसा हो रहा होगा अगर यहाँ पे हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।